इसे संयोग कहें या कुछ और, हर 100 साल पर पूरी दुनिया में एक बड़ी महामारी का हमला होता आया है, जैसे अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है। महामारी फैलती चली जाती है, लोगों की मौत होती रहती है, हर 100 साल पर इंसानों को नई महामारियों की दवा खोजनी पड़ती है। ऐसा पिछले 400 सालों से होता आ रहा है। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि 400 सालों में किस किस महामारी ने कौन कौन सी महामारी फैली और कौन कौन सी महामारियों पर इंसानों ने जीत हासिल। पहली महामारी 1720 में पूरी दुनिया में प्लेग फैला हुआ था। इसे ग्रेट प्लेग ऑफ मार्सिले कहा जाता है। मार्सिले फ्रांस का एक शहर है। बगल में एक फोटो दिखा रहे हैं जिसमें कलाकार मिशेल सेरे की बनाई हुई पेंटिंग में आपको दिख रही है कि ये बताने की कोशिश की जा रही है कि प्लेग से कितने लोगों की मौत हुई थी। इस शहर में प्लेग की वजह से 1 लाख लोगों की मौत हुई थी। प्लेग फैलते ही कुछ महीनों में 50,000 लोग मारे गए थे। बाकी 50,000 जो लोग थे वो अगले 4 सालों में मारे गए। उसके 100 साल बाद 1820 में एशियाई देशों में कॉलरा नामक महामारी का जन्म हुआ। इस महामारी ने जापान, फ्रांस की खाड़ी, भारत, बैंकॉक, मनीला, जावा, ओमान, चीन, मॉरिशस, सीरिया आदि देशों में फैला हुआ। जावा में 1 लाख लोगों की मौत हुई थी। इससे ज्यादा मौतें थाईलैंड और इंडोनेशिया और फिलीपींस में हुई। इसके 100 साल बाद 1920 में स्पेनिश फ्लू फैला। वैसे तो इसका जन्म 1918 में हुआ था, बट ज्यादा असर इसका 1920 में देखने को मिला। कहा जाता है इस फ्लू की वजह से पूरे दुनिया में 1,70,00,000 से 5 करोड़ के बीच में लोग मारे गए। 2020 में चीन से शुरुआत हुई कोरोना वायरस की। अब इस बीमारी ने दुनिया भर में अपने आप को जकड़ लिया है। आज तक पूरे देशों में 1,09,270 लोग संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना वायरस की वजह से अब तक 3816 लोग मारे गए हैं। वैज्ञानिकों ने यहाँ तक दावा किया है कि यह वायरस इस साल के अंत तक खत्म हो जाएगा। और अगली वीडियो में हम बताएंगे कि वायरस क्या होता है या कैसे काम करता है, इसको कैसे हम रोक सकते हैं। तो बने रहें हमारे साथ अगली वीडियो में।